तो कुकुई हुआ ना, है पूरे 2 साल बड़ा है मेरी स्वीटी से, मगर बरगलाती हमेशा औरत है, देख लो। नहीं, ये क्या औरत औरत लगा रखी है, जब से तू आई है उसे औरत औरत कहे जा रही है। अरे तू खुद होगी पागल चिरांदी औरत, सारे फ्लैटों में बदनाम करके रख दूंगी तेरी लड़की को। जवानी के लटके झटके तो देखो इसके, लगता है माँ को भी पीछे छोड़ देगी। निकल जा यहाँ से, निकल जा फौरन यहाँ से। अरे मुझे भी सब पता है कि कौन आता है तेरे घर में दोपहर को तेरे मियाँ के जाने के बाद। चली जाए यहाँ से, बोहतान लगा रही है मुझ पर। निकल जाए यहाँ से, चल। अरे हमें भी पता है कि कुकू के अलावा कोई तेरा बच्चा आरिफ भाई की शक्ल का नहीं है, सारी रंग बिरंगी औलादे है तेरी, अंदर की कहानी हमें भी पता है। चल यहाँ से, अब बच ले तू, देखना जानती नहीं है तू मुझे। अरे दफाओ, चल यहाँ से, बच लेना, देख ले तू। अरे दफाओ, देख लेना तू। अरे चली जाए यहाँ से। मन पूछ गई की स्वीटी, 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 कहाँ गई स्वीटी? स्वीटी आप क्या तो नहीं आई, नहीं मिली नहीं रही है, मैंने हर जगह कोना कोना छान मारा है। मेरे घर आवारा बिल्लियों का दाखला बंद है, समझी? इधर आ, इधर आ, जल्दी आ इधर। कहाँ गई थी तू, हैं? कहाँ गई थी तू, कहाँ गई थी तू, बोलती क्यों नहीं है, कहाँ गई थी तू? पापा आए थे, पापा मुझे लेके चले गए थे। तू उनके साथ चली गई थी, हैं? चली गई थी तू उसके साथ?
अबे क्या पागल हो गई है? अब अगर तूने मेरी स्वीटी को बरगलाया ना तो तेरी शक्ल में तेजाब फेंक दूंगी, समझा? अरे पहले तो बी कमाई खाता था, बेटी कमाई खाने चला है। सुभान संभाल ले अपनी। और मैं कब स्वीटी को लेके गया हूँ? चले आ गई है क्या? कर ले जितना चाहे कर ले, देखता हूँ ना कब तक करती है। मुझे बेगरत बोलती है, सबसे बड़ी बेगरत तू है। वहां तो तू भी नहीं है, बस खजाने पे बैठी हुई सांप है तू। तू तो बड़ी चोर लगाने वाली है, लगाना तो। कौन है वो तीसरा कि तेरी बेटी की कमाई खाने के चक्कर में? वह मुझसे तो मस्जिद में ले जाके कुरान उठवा ले। मैं तलाक के बाद स्वीटी को कभी नहीं लेके गया। अम्मो, मेरी प्यारी अम्मो। क्या है? पानी पीने मम्मा। है? कैसे बोल रही है तू? मुझे बिल्कुल लगा जैसे मेरा घर नहीं कोई ड्रामे की लोकेशन हो। और मैं शायदा के बजाय मारिया वास्ती बन गई। कैसे बोलती है ना वो हाथ में ग्लास उठा के। थैंक्स। अरे कहाँ जा रही है, इधर आ, पानी तो पूरा पीने दे। मामा चले मेरे साथ। किधर? आए चले ना, ये देखें। स्वीटी ये सब तूने किया? ये भी तो देखें। स्वीटी सब कैसे कर लिया तूने? जरा इधर आ, यहाँ बैठ। जरा बैठ जा। ये किसने सिखाया तुझे इतना सलीका करीना? जल्दी बोल मनहूस मारी, किसने सिखाया ये? जल्दी बोल। ये अम्मू ने। कौन है ये उल्लू की पट्टी अम्मू? बुरी बात मामा, गाली नहीं देना चाहिए, अम्मू कहती है। कहाँ रहती है तेरी अम्मू? है कहाँ रहती है? वो पापा की जो बीवी है ना, बिलानी ले गए थे। देखने में कैसी है? बिल्कुल मलाई का पेड़ा लगती है। चुप कर, क्या तमाशबीनों वाली जबान बोल रही है? ये जूता खींच के मारूंगी तुझे। उस मर्दूद ने तेरे लिए दूसरी माँ भी ढूंढ ली। इधर आ, इधर आ। देख स्वीटी, याद है तुझे तूने वो जावेद फाजिल वाला सीरियल किया था जिसमें सादिया माम तेरी सौतेली माँ बनी थी, याद है ना? उसमें कैसे वो तेरे बाप के सामने तुझे गले लगाती थी और लोरियाँ सुनाती थी। हैं तेरा बाप जब ट्रक के नीचे आ जाता है तो कैसा रूप बदला था? कैसे ब्राउन के बजाय उसने हरे हरे लेंस लगाने शुरू कर दिए थे, और कैसे गंदे गंदे आवारा दोस्त उसके घर आते थे, याद है? उनके घर में गंदे गंदे दोस्त भी आते थे। बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ ये जो सौतेली माएँ होती हैं ना, ये बहुत ख़राब होती हैं। ये हरे हरे लेंस लगा लेती हैं और अजीब अजीब हरकतें करती हैं, समझी? अब आइंदा से मेरी बेटी मेरे साथ चला करेगी, ठीक है? मेरे साथ शूटिंग पे चलना। मैं क्या करूंगी तुम्हारी शूटिंग पे, बहुत बोरियत होती है।
एहसान फरामोश है, और वो जो मैं घंटों तेरे साथ बैठी रहती थी तेरी शूटिंग्स पे, वो आई हाय सारे पैसे तो तुम ही ले लेती हो, मुझे क्या देती हो? स्वीटी मनहूस, खड़ी हो जा इस वक्त, हैं? जल्दी से जा, जाके स्कर्ट ब्लाउज पहन और जल्दी तैयार हो, जाना है शूटिंग पे, चल। अम्मा आ रही हूं। अच्छा तो तू भी अपनी माँ की तरह रातों को देर से लौटने लगी। मामा आपको चाबी दे के गई है? हाँ आ जा। आ जा, बोर हो रही थी मैं तो। ए टीवी वालियों की कुछ बातें ही बता दे। अच्छा ये नाहिद शब्बीर जो है ये देखने में मेरी वजन जैसी होगी ना? वैसे माशाल्लाह आपको सेहत भी मेरी जैसी हो गई है उसकी। पर तू थी कहाँ ये तो बता। मैं दोस्तों के साथ थी। हैं? किन दोस्तों के साथ? लड़कियों या लड़कों के साथ? लड़कियाँ। आज उज्मा की हैप्पी बर्थडे थी ना, वो हमको बर्गर खिलाने गई हुई थी नवाज भाई की ठेले से। वैसे तेरी अम्मा को कोई काम वाम मिला? पता नहीं, मिल गया होगा। ये करती क्या रहती है शूट पे तेरे साथ? बातें करती रहती है, कभी मुझे छोड़ के ऐसे वाले रूम में चले जाती हैं। मर्दों के साथ? हाँ मर्दों के साथ, काम चाहिए होता है ना, छोटा मोटा रोल मिल जाता है। मम्मा को मेरे जैसे रोल नहीं मिलते। तुम भी चलो ना आंटी, तुम्हें भी आराम से रोल मिल जाएगा। कौन सा रोल? मोहसिन अंकल का एक ड्रामा है, एक नौकरानी की जरूरत है। जुमले भी नहीं बोलने होंगे, खाली मेज पे खाना लगाने होगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे सैयदों में ये मिरासियों वाले काम नहीं होते। फिर देखती क्यों हो? चुप रे, ये ले चाबी, चल निकल यहाँ से, चल चल बदतमीज। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर। हेलो। हाँ हेलो शायदा। यार आज शूट कैंसिल हो गई। यार वो अपने हारून साहब है ना, बेचारे गुसल खाने में गिर गए, कूले की हड्डी टूट गई इनकी बेचारे की। अच्छा ठीक है। सुनो भाई, मुझे जरा वापस घर छोड़ दे, शूट कैंसिल हो गई है। क्या पैसे लगाए? 20 रुपए, ये ले। ये अभी तो 15 ही हैं, 5 फिर देके जाऊंगी। अच्छा वो कैरी है कच्ची वाली, दिखाओ। नहीं ये जरा मुझे भिंडियां दिखाओ निकाल के।
जी बीबी सलाम वालेकुम, कौन है आप? ए ए माई, वो बच्ची कहाँ है? स्वीटी स्वीटी भेजो से। यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। बेवाओं वाले कपड़े पहने हुए, बात ऐसे कर रही है जैसे सती सावित्री, हाथ में तस्बीह झूल रही है फिर भी मुंह पे झूठ है। ओ खुसरे, मुझसे पंगा मत लेना। हम तो फकीर हैं बीबी, हम आपसे टक्कर क्यों लेंगे? कौन है ये बिली नाटरस? ओ काली बला, पूरी फारसी चांद है मुझे। वो जो चकोरी है ना मूरत, जो मर गई है, पक्की सहेली थी मेरी। मेरी अम्मा के सामने वाला फ्लैट था उसका। मुझे भीली नाट्रेस कहती है, तू खुद क्या है? मुझे कहती है हेलो, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी अम्मा बहने आ रही हैं, जाके उन्हें एधी के लंगर खाने में खिलाओ। मेरे पास वक्त नहीं है कि उनके लिए देगन चढ़ाती रहूं। हाँ, एक मिनट की फुर्सत नहीं है मेरे पास। ओ खुसरी, दरवाजा खोल, खोले दरवाजा। अंदर तो आने दे यार। यार का बच्चा देख, अच्छा नहीं लगता। शायद उस दिन भी कैसे मोटी औरत जासूसी कर रही थी। देख शादो, हराम हो चुकी हूँ मैं तुझ पर। मियां बीवी हराम होते हैं, मर्द और औरत थोड़ी आराम होते हैं। क्यों, तेरा अपनी उस मक्खन मलाई से दिल भर गया है क्या? कौन मक्खन मलाई? अरे वही तेरी सलीका मन चिकनी चुपड़ी बीवी। खुदा पाक की कसम शायदा, तू मेरी पहली और आखिरी बीवी है। बकवास मत कर, बकवास मत कर झूठे। इसी शक करने की वजह से ना तेरा घर बर्बाद हुआ है। नहीं, क्या समझती है तेरी वो छनाल बीवी है कि वो स्वीटी को मुझसे अलग कर देगी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से? बोल। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सबकी नजरें मेरी स्वीटी की कमाइयों पर लगी हुई है। वो कौन है उल्लू की पट्टी जो मेरी बीवी बनी हुई और मुझे पता भी नहीं है? बकवास मत कर, स्वीटी ने मुझे एक एक बात बताई हुई है उसकी। झूठ बोलती है वो फितरी जासूसा। अरे उसका तो मुझे फिर भी एतबार है, तेरा हरगिज नहीं है, है? तूने वो मुझे अच्छी तरह याद है जो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा था ना, कैसे वो थर्ड रेट एक्ट्रेस की जानों पे सर रखे तू बैठा था, है? अरे तूने तो मेरे घर को कोठा बना दिया था, एक जाती थी तो दूसरी आती थी, याद है? तुझे ना चीजों फरजाने की बीमारी हो गई है। ये क्या होता है? अबे बहुत गंदी बीमारी होती है वो, उर्मिला को हो चुकी है दो तीन फिल्मों में। उसको हर एक अपना दुश्मन नजर आता है, वो कहानियां बनाती है लोगों के लिए। तुझे भी वही बीमारी लाख हो गई है। अच्छा चल चल, वो 2500 रुपए दे दे, ईमान से बड़ा कर्ज चढ़ गया। दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए इस वक्त। निकलता है नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल जा यहाँ से, ओ जालिम की बच्ची, ख्याल कर, अभी अभी बीमारी से उठा हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, तेरी टांगे तोड़ दूँ। है पागल लग रही है, बिल्कुल पागल। तेरी टांगे तोड़ दूंगी, चला जा इस वक्त यहाँ से, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे। शीजो फरलाना की मरीज लग रही है। अरे प्यारी देख जाकर, वो खड़ी है या चली गई? चली गई है। स्वीटी 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 बेटा, आइए बेटा।